ओपन पेज नंबर 33। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ वेयर आई हैड स्टॉप्ड। ओके, डेजी लाफ्ड एंड सेड, टेरी वन कैन नॉट फ्लाई बाय जस्ट अटैचिंग टू फेदर्स। टेरी गॉट अप एंड सेड, लेट्स बेट ऑन दिस। डेजी सेड, यू शैल नेवर विन द बेट। तो डेजी जो रहती है वो हंसने लगती है टेरी पे और कहती है कि कोई भी दो पंख जोड़ करके नहीं उड़ सकता कभी भी। तो टेरी उठ करके जाता है उसके पास और कहता है कि चलो हम शर्त लगाते हैं। तो डेजी कहती है ठीक है, तुम ये शर्त कभी नहीं जीत सकते। टेरी रिप्लाइड, आई विल श्योरली बी एबल टू फ्लाई विद इन अ मंथ। डेजी सेड, इफ यू विन द बेट आई शैल बिकम योर सर्वेंट फॉर अ मंथ। तो टेरी जवाब देता है कि मैं निश्चित ही ये शर्त जीतूंगा और एक महीने के बाद मैं उड़ सकूंगा। तो डेजी कहती है कि ठीक है, अगर तुम ये शर्त जीतते हो तो मैं एक महीने तक तुम्हारी नौकर बन के रहूँगी। टेरी अग्रीड एंड वॉक्ड अवे। तो टेरी जो रहता है वो उससे सहमत हो जाता है और चला जाता है। ही केप्ट थिंकिंग बट कुड नॉट गेट एनी सॉल्यूशन। वो लगातार सोचता रहता है लेकिन उसे कोई भी हल नहीं मिलता है। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल। फिर अगले दिन वो स्कूल जाता है। हिज साइंस टीचर सैमी द डियर टोल्ड दैट द बलून वॉज मेड टू फ्लाई बाय फिलिंग इट विथ हीलियम गैस। जब वो स्कूल जाता है तो उसकी टीचर सैमी जो रहती हैं, जो कि एक हिरन होती हैं, ठीक है, सैमी हिरन का नाम था, तो वो उस बच्चों को बताती हैं कि बलून जो है वो उड़ने के लिए यूज़ किया जा सकता है अगर उसमें हीलियम गैस भरा जा सके। टेरी गॉट द आइडिया, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ बलून एंड गॉट इट फिल्ड विथ हीलियम। तो अब उसके टेरी के दिमाग में आइडिया आता है, वो जाता है मार्केट और वहाँ से एक बलून खरीद करके लाता है और उसमें हीलियम गैस भर देता है। द मोमेंट इट वॉज फिल्ड इट रोज अप इन द एयर। और जैसे ही उसमें गैस भर जाती है वो हवा में ऊपर उड़ने लगती है। टेरी होल्ड द स्ट्रिंग एंड स्टार्टेड फ्लाइंग ऑफ विद द बलून। और टेरी जो रहता है उसका धागा पकड़ लेता है और फिर बलून के साथ ऊपर उड़ने लगता है। डेजी सॉ इट एंड शाउटेड आउट टू टेरी, यू हैव वोन द बेट, यू कैन कम टू द ग्राउंड नाउ। तो डेजी ये चीज़ देख करके उसको बोलती है, चिल्लाती है कि तुम शर्त जीत चुके हो, अब तुम ज़मीन पे नीचे आ जाओ। टेरी वॉज अनएबल टू कम डाउन, द बलून वॉज गोइंग हायर एंड हायर। और टेरी जो रहता है अब वो नीचे नहीं आ पा रहा होता है क्योंकि बलून जो है वो ऊपर ऊपर ही जा रहा था। ही वॉज फीलिंग प्राउड, और उसे अब वो थोड़ा घमंड आ रहा था। After a while, the gas from the balloon started depleting and Terry fell on the ground with a thud. और फिर जब उसके बाद उसमें से धीरे धीरे गैस कम होने लगी, ख़त्म होने लगी, तो टेरी जो रहता है वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। He was badly bruised, और उसे बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग जाती है। Daisy said, you deserve this because you tried to win the bet through unfair in earns. तो डेजी कहती है कि तुम यही डिज़र्व करते हो क्योंकि तुमने शर्त को गलत तरीके से जीतने की कोशिश की। टीचर सैमी सेड, टेरी, नेचर हैज़ मेड एवरीथिंग यूनिक, जस्ट लाइक बर्ड कैन नॉट फ्लाई और रन इन द सेम वे, वी कैन नॉट फ्लाई लाइक देम। सॉरी, इट इज़ वॉक और रन इन द सेम वे, वी कैन नॉट फ्लाई लाइक देम। तो उनकी जो टीचर रहती हैं सैमी, वो कहती हैं कि प्रकृति ने हम सबको यूनिक बनाया, यानी हम सब अपने आप में इकलौते हैं। और इसी जिस तरीके से पक्षी जो है वो चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, उसी तरीके से हम भी उनकी तरह उड़ नहीं सकते। देयरफॉर इट इज़ फूलिश टू इमिटेट देम, और इसीलिए उनकी नकल करना मूर्खता है। टेरी हैड लर्न अ लेसन, अब टेरी जो था उसे सबक मिल गया था। नाउ लेट अस ऑल टेक टेरी टू द डॉक्टर, और फिर वो लोग कहते हैं चलो हम अब टेरी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं क्योंकि टेरी को चोट लग गई होती है। सो दिस वॉज अ स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। बी, हु सेड दीज वर्ड्स, यू हैव टू Answer the person who has said this. Number one, I wish I could fly like them. It is said by Terry. Number two, one cannot fly by just attaching two feathers.
said by Daisy. I will surely be able to fly within a month, it is said by Terry. You have won the bet, you can come to the ground now, said by Daisy. Terry Nature has made everything you need, it is said by teacher Sammy. Now fill in the blanks. Number 1. One day Terry was playing near the dash of a river. Answer is bank. Number 2. Terry climbed the tree and tried to fill by dash the feathers. Sorry, it is fly by dash the feathers. Answer is fluttering. Number 3. Terry bought a balloon and filled with dash. Answer is helium. Number 4. Terry had learned a dash. Answer is lesson. D. Tick the correct answer. Number 1. Terry was very dash. Answer is upset. Number 2. Terry wanted to fly like. Answer is sparrows. Number 3. Terry found feathers of dash. Answer is pigeon. Number 4. Daisy was sitting on the branches of a dash. Answer is mango tree. Number 5. The balloon was filled with dash gas. Answer is helium. Number 6. Did Terry learn a lesson? Answer is yes. Add to your vocabulary. A. Pair these animals with their young ones. Here are the animals. You have to mention their young one's name. The baby of duck is duckling. Number 2. Baby of goat is kid. Cow, calf, dog, pup, sheep, lamb, owl, owlet. So these were the exercises. Question answers you will get in your homework. That's all for today. Thank you so much.